अमर रहे, अमर रहे, सही द्रम्पन अमर रहे, अमर रहे।
ये वाला बाद में करना, साइड वाला, निकल साइड में।
यार मौसम खराब हो रहा है यार। पीछा नहीं होने यार गया पाछे में ना हो रही क्यों वो हो गया रोड पे देख रोड पे
पीछे पीछे रेडी फायर रेडी फायर रेडी फायर रेडी फायर रेडी फायर कट बजो सस कट बजो ये है वहाँ है ले के अंदर श्रीनगर जी सर। 20 सैनिकों को मार करके जो है जब शहीद हुआ है सुबेदार रामपाल सिंह जिसकी संस्कार विधि में पूरा इलाका खराब मौसम के बाद भी हजारों की तादाद में और जब इनकी चिता पाली बाबा जयराम दास के धाम पर पहुंची है तब से लेकर यहां तक हजारों नर नारी इस शहीद के संस्कार में हम सब शामिल हैं। चौधरी धर्मपाल हमारे ऑल इंडिया स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष हैं। मोहित चौधरी धर्मवीर जी हमारे लोकप्रिय सांसद का बेटा है और अमित बोरा जी अध्यक्ष हैं। कंवर सिंह यादव बैंक के हमारे चेयरमैन हैं। मेजर ईश्वर सिंह हैं। ये जो सूबेदार रामपाल सिंह यूनिट 18 राजपूताना राइफल्स के जवान थे और -10 डिग्री टेम्परेचर में ये वहाँ गुलमर्ग में इनकी तैनाती हुई और एक्लिमेटाइज करते हैं फौजी। हमारा यहाँ जो टेम्परेचर है इन दिनों में 8-10 रहता है और वहाँ -10 में जब फौजी जाता है तो 3 दिन 3 रात उसको टेंट में रख करके वो किया जाता है। पर ये इतने बहादुर इतने इन्होंने चाइना के लगभग 40 लोगों को मार करके इनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा था कि आप रामपाल आप 3 दिन बाद आपको कहने नहीं मुझे आज ही लगाइए और इन्होंने 40 लोगों को मौत के घाट उतारा दुश्मनों को और फिर अपनी इनकी शहादत हो गई। आज हम सब उनको नमन करते हैं। विशेष रामपाल जो है एक बहुत बहादुर सैनिक था। इसकी जैसे ही शहादत हुई है आर्मी हेडक्वार्टर में मैसेज आया है जिसकी जानकारी मुझे भी पता चला और यूनिट वालों ने भी मुझे मैसेज किया तो मैं दिल्ली से इनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे जब से मैंने देखा है मेरे ख्याल से महेंद्रगढ़ी नहीं रेवाड़ी और दादरी पूरे ज़िले सड़कों पर से जहाँ से भी जो है शहीद का जनाजा निकल रहा था वहाँ पे लोग बाहर से इनको सलामी देने के लिए अपने घरों से बाहर खड़े हुए थे। क्या महिला क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान मेरे ख्याल से ऐसा जनाजा हमने बहुत ही कम देखे होंगे और आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में नर नारी इनको सलाम करने के लिए खड़े हुए हैं। सामने भी जो है छतों के ऊपर इतनी पब्लिक है
कि कहीं पैर रखने की जगह ना ज़मीन पे है ना छत पे है। और ऐसा बहादुर सैनिक रामविलास शर्मा जी ने, मंत्री जी ने जो बताया, इन्होंने 40 चाइनीज सैनिकों जो बॉर्डर के अंदर हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो है 40 सैनिकों इनको पाकिस्तान चाइनीज को जो है मौत के घाट उतारा है। और अंधेरा होने की वजह से ये शहीद हो गए हैं, नहीं तो हो सकता है कि 40 की जगह और 10-20 को ये वहीं पर ढेर कर देते। और इनके करने से चाइनीज सैनिक बॉर्डर से जो है 2 किलोमीटर पीछे जो है वो चले गए हैं। तो ऐसे बहादुर सैनिक को हम सदा याद करते रहेंगे। ये सैनिक जो है शहीद होकर के अपने देश हिंदुस्तान का नाम, हरियाणा प्रदेश का नाम और ज़िला महेंद्रगढ़ का नाम और इस गांव का नाम एक सुनहरे अक्षरों में हिंदुस्तान पे, वहाँ इंडिया गेट पे अमर ज्योति, जो प्राइम मिनिस्टर कल जो है जिसका ज्योति जो है, ये बहुत दिन से डिमांड थी सैनिक और पूर्व सैनिकों की कि हमारे जो शहीद हो रहे हैं उनके वहाँ ज्योति नहीं जलाई जा रही है, ज्योति कहीं दूसरी जगह जो अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे उनके वहाँ जलाई जा रही थी, वहाँ पे हमारे बहुत कम सैनिकों के नाम थे। अभी प्राइम मिनिस्टर जब से मोदी जी लगे हैं, इन्होंने सैनिकों के लिए वहाँ पे सभी के नाम 25,000 सैनिकों के नाम लिखवाए हैं और अमर जवान ज्योति वहाँ पे लगा दी गई है। जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं, हिंदुस्तान के पूर्व सैनिकों का वन रैंक और वन पेंशन जो है बहुत पुरानी मांग थी, उनको मांग पूरा करा है। जिन लोगों को, पुराने सैनिकों को 40 रुपये मिलते थे, आज उस सैनिक को 40,000 जो है वो पेंशन मिल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी बताए, रामविलास शर्मा जी ने, कि वहाँ पे टेम्परेचर माइनस, लेकिन उनकी व्यवस्था इतनी बढ़िया कर रखी है कि उनके बहुत अच्छे जूते जिनमें सर्दी जो है बिल्कुल नहीं लगती है, अच्छी व्यवस्था करी है, उनको क्लोथिंग जो है पहनने के लिए बहुत बढ़िया दिए गए हैं जिससे सर्दी उनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकती है। और ऐसे आधुनिक हथियार वो ला करके सभी सैनिकों को दिए गए हैं जिससे आज हिंदुस्तान की सेना बहुत ताकतवर सेना है। किसी भी देश की, चाइना पाकिस्तान, किसी की हिम्मत नहीं है जो देश की तरफ उंगली उठा के देख सके। हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, राफेल विमान हिंदुस्तान वर्ल्ड का जो है बहुत ताकतवर विमान है, वो 3-4 खेप में वो हमारे देश में आ चुके हैं। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो अस्त्र, हम शस्त्र बाहर से लाते थे, वो सब प्रोडक्शन हमारे यहीं पे शुरू कर दिया है। जो हमें कहीं विदेश में, हमारा जो हिंदुस्तान का पैसा है वो बाहर नहीं जाएगा, और हमारे देश के सैनिकों को जो है, पूर्व सैनिकों को और लोगों को जो है, हमारे यूथ के बच्चों को उसके अंदर रोज़गार मिलेगा जिससे कि जो है लोगों का जो है काम धंधा चलेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दी है देश में कि जितने भी जो है अस्त्र शस्त्र जो ज़रूरत होती है वो सारे हमारे हिंदुस्तान में पैदा शुरू कर दिए बनाने। इसलिए नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, देश के अंदर देश की ताकत बहुत बढ़ा दी गई है और विदेशों में भी जो है वो देश का नाम बुलंद कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। शहीद रामपाल अमर रहे, शहीद रामपाल अमर रहे, शहीद रामपाल अमर रहे। जिस प्रकार मेरे आदरणीय रामविलास शर्मा अंकल जी ने, रामपाल जी ने बातें बताई, हरियाणा की धरती बहुत पुण्य धरती है, जिस धरती ने सबसे ज़्यादा वीर जवानों को इस देश की रक्षा के लिए पैदा किया। जैसा कि आपके समक्ष ये बात आई है कि -10 डिग्री के तापमान के अंदर जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलने से मना करता है, हमारे प्रदेश का जवान इस देश की रक्षा के लिए वहाँ ड्यूटी के लिए खड़ा हो जाता है। ना वो दिन देखता, ना वो रात देखता, उसके मन में सिर्फ एक ख्याल आता है कि मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि सबसे श्रेष्ठ है। और कोई व्यक्ति जब इस जन्मभूमि की तरफ देखता है तो उसको जवाब देने का अधिकार सिर्फ इस देश के पुत्रों को, और ये सम्मान इस देश के फौजियों को मिला है, आन बान रखने वालों को मिला है। इस देश का धरोहर जो हमारा तिरंगा है उसको हाथ लगाने का, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्यार दिखाने का अगर किसी को सम्मान मिलता है तो फौजी को मिलता है। मैं इस गाँव को, यहाँ के व्यक्तियों को और जो जो यहाँ पर व्यक्ति हमारे साथ, आज के समय डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन भी हमारे साथ है, उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए सहानुभूति के साथ साथ मन के अंदर हमेशा उनको याद रखें और ये सोचें कि भविष्य के अंदर इस हिंदुस्तान की तरफ कोई भी नज़र उठाए तो उसको जवाब देने के लिए हमारे भाई रामपाल जैसे व्यक्ति कल के दिन इस देश की सुरक्षा में और ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। 3 जवान शहीद हो चुके हैं। तितलांग गाँव से पहले दो आदमी दो हुए,
और अब ये तीसरा है। तीसरा शहादत हुई है सौभाग्य माँ को नमन है जिसने ऐसे वीर सपूत रामपाल को दिया जन्म दिया, और सभी की तरफ से आज उस वीर शहीद को नमन करते हैं। जय हिंद जय भारत।